अरे सुनो तो, रुको रुको रुको, अरे रुको तो सही, गेट लॉक। सुनो, अरे लो, अरे सुनो तो, गेट लॉक कैसे गेट लॉक? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हारे सब्सक्राइबर ने चैलेंज दिया ना, सुनो। अरे क्या क्या खा रही हो तुम? जाओ तो यहाँ से। एक्सपेक्ट कैसे करते हो तुम? खुद बनाओ, मैगी बनाने में 2 मिनट लगता है, बनाओ। मेरे ऊपर गुस्सा करके क्या फायदा है? नहीं यार ऐसा नहीं होता, ऐसे तुम अगर आज ये नो मोबाइल चैलेंज शूट करने वाले थे तो मुझे कल से बताना चाहिए था ना। मेरे पास क्या मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया, कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तुमने मोबाइल लेके रख दिया मेरा। ले लो ले लो, चाहिए? ये है फोन और ये आज मेरे। एक्चुअली घर में भी बताना चाहिए, सबको इन्फॉर्म करना चाहिए ना, अगर कोई मुझे फोन करे। घर में अगर कोई भी इमरजेंसी होगा तो मेरे पास कॉल आएगा। अरे ना 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 ना, अरे यार आज मैं प्लीज एक बार व्हाट्सएप मैसेज तो कम से कम चेक। ना ये बताओ, ये बताओ कौन इंतजार कर रहा है तुम्हारे मैसेज? हो ही सकता है यार। कौन इंतजार कर रहा है? दिस इज ना ना ना, ये इल्लीगल है, ये इल्लीगल है। तुम्हारे अलावा कोई इंतजार नहीं कर रहा है? ना ना इल्लीगल है ये। शादी के बाद किसी का मैसेज की एक्सपेक्ट करना इल्लीगल है। स्पेशल समवन स्पेशल का नहीं, अभी नहीं चलता ये सब। अरे हमेशा समवन स्पेशल नहीं होता यार, कुछ काम का भी मैसेज। मैंने तुम्हारे घर में मैसेज कर दूंगा कि आज बिना फोन। घर वाली है क्या मेरी जिंदगी में? आज मैं सुबह उठते ही प्लान बना लिया था कि आज वो चैलेंज वाला होगा, बिना विदाउट मोबाइल वाला चैलेंज। सुबह उठ के फोन ले लिया। देखो घर में बहुत सारा काम है, घर को सजाओ, कपबोर्ड को अरेंज करो। अच्छा ना, बहुत मैं काम कौन करते हैं? तुम अकेले नहीं करती ना? ना तुम अकेले नहीं करती हो। मैं फोन यूज करके भी मैं घर का काम करती हूँ। आज इसीलिए तो आज बताओ, कुछ बताओ। ऐसे करके बैठी रहोगे तो दिन भर निकल जाएगी। कपबोर्ड को अरेंज करो, पूरे हफ्ते भर में। कपबोर्ड अरेंज है या फोन? आई कांट लीव। गलत आदत है ना। बगाओ, देखो दीदी का फोन नहीं मिला तो कितना काम कर रही है। कहाँ जा रहे हो? ये आयरन के लिए दे देता हूँ। ओके जाओ 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 जाओ। अरे अरे मेरा फोन क्यों लेके जा रहे हो यार? तब फोन लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? आज तुम्हें फोन देना ही नहीं है। अरे देखो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी? प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम तुम झेल लेती हो, ये भी झेल लोगे। मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा और मैं अपने हमारे चैनल के जो व्यूअर्स है, मैं ऑनेस्ट हूँ उनके प्रति। जो फोन आज नहीं है तो नहीं है। बट दिस इज नॉट फेयर यार, तुम मुझे मेरा फोन दे दो, मेरा एक प्राइवेसी नाम का भी चीज है। क्या मैं तुम्हारा फोन ओपन नहीं करूंगा 100%, ये गारंटी मेरी है। बट जिस दिन तुम्हारे साथ ये चैलेंज होने वाला है, मैं तो तुम्हारा फोन ओपन करूंगा। मेरे को तो कोई बोला नहीं कि विदाउट फोन चैलेंज, तुमसे देखना चाहता है। नहीं आप लोग अगर विश्वास से भी ये चैलेंज देखना चाहते तो जरूर कमेंट में बताना। ठीक है मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। फोन वैसे प्लीज यार दे दो यार, इसको लेके मत जाओ। ये टीवी में गाना सुनो, गाना भी सुनने की कोई फोन, गाना सुनने के लिए फोन नहीं मिलेगी तुम्हें आज। मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं क्या बोला था, मैं अपने व्यूअर सब्सक्राइबर सबके प्रति बहुत ऑनेस्ट हूँ। वाह कितना अच्छा ड्राइंग हो रहा है, देखो कुछ तो फायदा है, कुछ तो फायदा है फोन ना यूज करने का। देखो तुम्हारे पुराने जो टैलेंट है खो गया था, फिर से वापस आ रहा है कि नहीं बताओ? थैंक गॉड कि मेरे पास ये कलर पेंसिल्स था। दिखा कौन सा वाला? डोम्स का कलर पेंसिल। डोम्स। और ये कितना ड्राइंग बुक भी था। कितना दिन हो गया था ये खरीदा हुआ, यूज ही नहीं हो रहा था। थैंक यू फ्रेंड्स ये चैलेंज देने के लिए। चैलेंज अगर लिया है तो उसको पॉजिटिवली निभाना पड़ेगा, और ये तो फोन देने वाला है ही नहीं। मतलब कैसे भी हाथ जोड़ रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, फोन नहीं दे रहे, तो इसलिए घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। इनसे सीखे। मैं जब छोटी थी स्कूल लाइफ में, मैं ड्राइंग क्लास में जाती थी, मैं सीखा भी हूँ, मेरा वो सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है। आप लोगों को लग सकता है कि मैं फोन यूज नहीं कर रही हूँ 24 आवर्स, तो व्लॉग शूट कैसे कर रही हूँ? ऑफकोर्स मैं मेरा DSLR जो कैमरा है उसमें शूट कर रही हूँ। कैमरा तो यूज नहीं करेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे? वैसे मेरा फोन कम्प्लीटली विश्वास ने जमा कर लिया, अब उसके पास है मेरा फोन। मेरे पास सुबह से नहीं मिला, सुबह से। आप सोच सकते हो कितना मुश्किल है ये चैलेंज करने में मुझे, मतलब चैलेंज लेने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, बट करना तो पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ ताकि आपको ना लगे कि शायद मैं ऐसा आप लोगों से बोल रही हूँ कि मैं फोन यूज नहीं कर रही हूँ पर ब्लॉग शूट मैं फोन में कर रही हूँ। नहीं गाइस, मैं मेरा कैमरा में जो DSLR है उसमें
जिसमें मैं आज का वीडियो शूट कर रही हूँ। एकदम पहले दिन से मेरा आदत है सॉन्ग सुनते सुनते वॉकिंग करना, अदरवाइज मुझे बहुत ज्यादा टायर्ड फील होता है। तो आज भी मैं गई थी, वॉकिंग किया, कितने स्टेप्स कवर किया, 5, 4, 2, 1, इससे मैं दुगना करती हूँ, इससे डबल करती हूँ। हर रोज इसका डबल, कम से कम 8 से 10 हज़ार स्टेप्स तो होता ही है, पर आज नहीं कर पाई क्योंकि म्यूजिक नहीं था ना। फोन वाइब्रेट हो रहा है, फोन वाइब्रेट हो रहा है, तुम्हारे मम्मी का कॉल आ रहा है। यार मेरा फोन तो दे दो, एटलीस्ट पूरा दिन भर मम्मी वेट करती है मेरे साथ बात करने के लिए। फोन दे दो यार, अभी फोन दे दो। क्या कह रहे, अभी क्या कह, 12 बजे के बाद ही होगा, 12 बजे के बाद ही मिलेगा। इतनी दूर हूँ, वो कैलकटा में है, मैं बैंगलोर। ठीक है, मैं मैसेज करके बता देता हूँ ना। ऐसे कैसे होता है यार, ऐसा मैसेज करके बता देता हूँ कि वो 12 बजे के बाद ही कॉल कर सकती है। फिर से कॉल आ गया, फिर से कॉल है, क्या करना है? नहीं नहीं, चैलेंज ब्रेक मत करो, चैलेंज ब्रेक मत करो। लाओ ना 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 ना, उधर बैठो, उधर बैठो, चैलेंज ब्रेक मत करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, ये मम्मा का फोन आ रहा है इधर, इसमें मम्मा लिखा रहा है, मम्मा इसमें फोन यूज ही नहीं करना है, मम्मा का फोन आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन बाद जब वीडियो देखेगी तो समझ में आ जाएगी ना। सब फेयर है, बैठो बैठो, कोई बात नहीं, 12 बजे तक ब्लॉग है, 12 बजे के बाद फोन दे दो, फोन दे दो, फोन। नहीं नहीं, दिन भर का मेहनत खराब हो जाएगा, तो दिन भर का मेहनत खराब हो जाएगा। कोई नहीं, बैठ जाओ, मैं मैसेज करके बता देता हूँ, मैं मैसेज करके बता देता हूँ, कोई बात नहीं। यार देखो, ये लोग परेशान हो रहे हैं कि मैं फोन क्यों नहीं उठा रही हूँ, शाम को मैं घर पे रहती हूँ, शाम को मेरे ऊपर मेरे पास कॉल आ गया, मेरे को कॉल कर रहे हो, ये देखो रो रही है। चैलेंज चैलेंज चैलेंज, यूट्यूबर बनना उतना आसान थोड़ी है, यूट्यूबर बनना है तो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मुझे एक बार बता दीजिए कि कल से तुम तो क्या होता, क्या होता, मैं तो बता दिया ना घर में, अभी तुम्हारी बहन की फोन आया था। उन लोगों को बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी तो उन लोगों से बात करना है ना। ऐसा करोगे ना, हो जाएगा। जाओ यार, ये सब शूट मत करो। हो जाएगा, नहीं नहीं, ये अच्छा लगेगा दोस्तों को देखने में। देखो कैसे छोटे बच्चे की तरह। एक दो मिनट बाकी है तो पिछले रात को मैंने फोन ऑफ करके सो गया था, और उसके बाद मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि आज वो चैलेंज होने वाला है। और विश्वास का ये बोलना है कि इट शुड बी नेचुरल, अगर पहले से इसको हम लोग प्लान करके रखते तो शायद उतना मजा नहीं आता। अरे दीदी, यही तो चाहिए था। अच्छा, मिल गया ना आपको जो चाहिए था, जो सालों बाद फोन मिल रही है तो मतलब अब तुम मुझे लगता है कि तुम जैसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ऑन करोगे या फेसबुक मैसेंजर, बहुत सारे मैसेज और नोटिफिकेशन, तुम्हारा फोन ना हैंग कर जाए। राइट, एडिक्शन क्या चीज है। मैं जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गई थी तब मेरे पापा ने मुझे फोन दिया था, उससे पहले तो था नहीं, उससे पहले का जिंदगी, और अभी देखो कितना बदल गया, हम लोग टोटली फोन के ऊपर डिपेंड, हमारा लाइफ टोटली फोन। आजकल क्लास 6-7 के बच्चे के पास फोन है, 6-7, 3-4 के बच्चे यूज करते हैं, यूट्यूब भी कर, टू मच एडिक्टेड। सो गाइस, दिस इज नॉट गुड, ये मैं जो दिखा रही हूँ इससे मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हो सके तो जितना कम से कम हो सके यूज करो, अदरवाइज ये फोन का एडिक्शन बिल्कुल सही नहीं है। आप इनको एग्जांपल के तौर पे रख लो, जैसे दिखाते हैं नहीं ये मूवी में स्टार्टिंग में, सिगरेट पीना, तंबाकू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ये है एग्जांपल, ये। अरे नाखून क्या उंगली खा जाओगे क्या, अभी क्या दे दूं, देखो टाइम ओवर हो चुका है यार, आज के दिन में तो फोन छोड़ोगे कि किडनी मांग लो, मेरी किडनी भी दे देता, लेकिन ऑनेस्टी इज ऑनेस्टी। 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये रहा फोन, और ये आपके फोन। बताओ आपका दिन कैसा गया आज विदाउट फोन? हॉरिबल मीन सुपर डुपर हॉरिबल जी यार, सबसे गंदा चैलेंज था। तो फाइनली बहुत सालों के बाद में
बहुत टाइम के बाद, हाँ लग रहा है कि साल ही लग रहा है, बहुत टाइम के बाद अपना फोन मिला है, तो आई एम लाइक ओह माय गॉड बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ, जैसे कि मुझे नया फोन जब मिला था उस टाइम जैसा खुशी अभी फील हो रहा है। तो नाउ आई हैव टू चेक द ऑल द नोटिफिकेशन डीएम एंड व्हाट्सएप मैसेजेस एंड ऑल। तो गाइस अभी यूट्यूब कमेंट्स ऑल्सो। तो गाइज ओके चलिए बाय बाय, आज तो वीडियो और लंबा करेंगे ही नहीं, मुझे अभी फोन देखना है। चलिए ओके गाइज टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज, और जितना हो सके फोन को कम यूज करो, नहीं तो मेरी तरह हालत हो जाएगी आपका भी। मुआ।